आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो उबेनिस्ट उत्सर्जक और उबेनिस्ट आधार विन्यास होता है, मीन्स कॉमन इमिटर एंड कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में एक रिलेशन होता है, मीन्स एल्फा और बीटा। एल्फा और बीटा, एल्फा किसके लिए होता था? उबेनिस्ट आधार के लिए होता था, और बीटा किसके लिए? उबेनिस्ट उत्सर्जक के लिए होता था। और इनके बीच अपने को रिलेशन ज्ञात करना है, मीन्स, और पता लग गया आपको टेक्स्ट से कि क्या पढ़ने वाले हैं अपन। देखिएगा, अल्फा व बीटा में संबंध, ओके, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। पूरा पढ़ने वाले हैं अपन कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन, थोड़ा उससे अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। समझने का पूरा प्रयास आपको करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नॉर्मल आपका देखा हुआ है, तो दो प्रकार की अवस्था अपन यहाँ लेके चलेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो अपन पढ़ेंगे स्थितिक अवस्था के लिए, ठीक है, इनका मान क्या होता है। और दूसरा होता है वो गतिक अवस्था के लिए, मीन्स डायनेमिकल पोजिशन, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर क्या लगा दो आप, डेल्टा लगा दो। स्थितिक वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गतिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले एल्फा क्या होता था? आई सी बट्टा आई ई होता था, और बीटा का मान क्या होता था? आई सी अपोन आई बी। एल्फा आई सी अपोन आई ई, एल्फा अपन ने आधार में पढ़ा था, आधार में पढ़ा था, तो बी तो क्या था? नीचे ग्राउंडेड था, तो आउटपुट सी था, इनपुट क्या था? ई, मीन्स आई सी और आई ई का अनुपात एल्फा था। इसी प्रकार बीटा अपन ने पढ़ा, तो बीटा किसके लिए पढ़ा? उबेनिस्ट उत्सर्जक, तो आई जो ई है वो तो ग्राउंडेड था, उस तरफ क्या था? आउटपुट आई सी था, और इनपुट क्या था? आई बी, मीन्स आउटपुट बट्टा इनपुट को ही, आउटपुट धारा बट्टा इनपुट धारा को ही क्या कहते हैं? धारा प्रवर्धन कहते हैं, समझना बात को, धारा प्रवर्धन कहते हैं। बोर्ड के राइट साइड काम हो रहा है, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक का, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, धारा प्रवर्धन क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। जब अपन ने आधार पढ़ा था, तो आधार में इस तरफ आई सी था, इनपुट की तरफ आई ई था, तो इसका अनुपात हो गया। उसी प्रकार जब अपन ने उत्सर्जक पढ़ा था, तो आगे आई सी था, ई को कनेक्ट किया था, इस तरफ धारा क्या थी? आई बी, मीन्स बिटा होता था आई सी बटा आई बी। इतनी बात समझ आई? अब देखिएगा, ट्रांजिस्टर के लिए जब धारा का नियम लगाते हैं, चाहे पीएनपी हो, चाहे एनपीएन हो, उबेनिस्ट उत्सर्जक हो, उबेनिस्ट आधार, चाहे उबेनिस्ट संग्राहक ही क्यों ना हो, वहां पर धारा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। और आने वाली धारा कोई सी भी हो, आपको क्या मिलने वाला था? आई ई बराबर क्या मिलता था? आई सी प्लस आई बी का मान। मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं? ट्रांजिस्टरों के लिए, ट्रांजिस्टरों के लिए धारा का संबंध कि करंट रिलेशन यहां पे क्या होता है? तो आई ई किसके बराबर होगा जी? आई सी प्लस आई बी। खास बात आपको बता दें कि ये वाला फर्स्ट अपन लेके चल रहे हैं, एल्फा और बीटा में संबंध, और टाइप फर्स्ट है स्थितिक अवस्था के लिए। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्थितिक अवस्था के लिए, मीन्स इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन वन, उसी पर देखिएगा आप, अपने को कौन सी फॉर्म चाहिए? एल्फा और बीटा की फॉर्म चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं अपन? इस समीकरण में यदि अपन आई सी का भाग दें, तो अपने को क्या मिलता है? समीकरण में आई सी का भाग देने पर दे दीजिएगा, आई ई अपोन क्या हो गया? आई सी, इक्वल आई सी की जगह क्या आ गया? वन आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? प्लस आई बी अपोन, नीचे क्या आ गया? आई सी, ठीक। इसको अपन इक्वेशन टू मान सकते हैं। स्थितिक अवस्था का मतलब कैसी अवस्था है? डीसी अवस्था है। अतः वी नो दैट, बताइए, एल्फा डीसी का मान अपन ने निकाला था, और एल्फा डीसी का फॉर्मूला क्या था? आई सी बट्टा आई ई, अभी बताया ना, आई सी अपोन आई ई, नो प्रॉब्लम। बिट्टा डीसी अपन ने पढ़ा था, और बीटा डीसी का क्या था? आई सी अपोन आई पी,
समझ गए, अपने को देखो यहाँ पर क्या कैसा मिल रहा है, ये उल्टा मिल रहा है, ठीक है ना। आई ई बट्टा आई सी मीन्स यहाँ से आप वैल्यू निकालिए आई सी बट्टा आई ई की, उल्टा करो आई ई बट्टा आई सी क्या मिल गया, वन अपोन एल्फा डी सी, नो प्रॉब्लम। यहाँ से वैल्यू निकालो आई बी अपोन आई सी क्या मिल गया, वन अपोन बिट्टा डी सी। इसको नेक्स्ट इक्वेशन थ्री मान सकते हैं, समीकरण तीन को समीकरण दो में रखने पर, ठीक है रख दीजिएगा। तो क्या मिल जाएगा अपने को, वन अपोन एल्फा डी सी इक्वल वन प्लस वन अपोन बिट्टा डी सी, समझ गए बात को। वन अपोन एल्फा डी सी, यहां से बिट्टा डी सी आप बाहर ले लो मीन्स एलसीएम ले लो, ऊपर क्या हो गया वन प्लस बिट्टा डी सी, तो एल्फा डी सी फाइनली आपके पास क्या मिल गया, बिट्टा डी सी अपोन वन प्लस बिट्टा डी सी, समझ आई बात। इक्वेशन मान सकते हो चार, समीकरण चार क्या है, एल्फा और बिट्टा के बीच का रिलेशन है, ठीक है। लेकिन है कैसे, एल्फा किसके पदों में है, बिट्टा के पदों में है। समीकरण चार ऐसे लिख सकते हो आप, समीकरण चार एल्फा डी सी व बिट्टा डी सी के बीच संबंध है, लेकिन एल्फा डी सी बिट्टा डी सी के पदों में है, बिट्टा डी सी के पदों में है, समझ गए बात को। उल्टा आ जाता कि बिट्टा डी सी एल्फा के पदों में निकालिए तो आप क्या करते, देखिएगा इसी इक्वेशन को अपन आगे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा मल्टीपल कीजिएगा, एल्फा डी सी वन प्लस बिट्टा डी सी किसके बराबर आ गया जी, बिट्टा डी सी। क्या ढूंढना है इस बार अपने को, बिट्टा डी सी ढूंढना है, तो पहले मल्टीपल करो, एल्फा डी सी प्लस एल्फा डी सी बिट्टा डी सी इक्वल क्या हो गया, बिट्टा डी सी। बहुत सिंपल है, बने रहिएगा, इससे आगे भी बढ़ने वाले हैं अपन। एल्फा डी सी इक्वल बिट्टा डी सी, इस वाले को इधर भेजो, माइनस एल्फा डी सी साथ में बिट्टा डी सी, कोई प्रॉब्लम। एल्फा डी सी आई स्टडी के साथ जुड़े रहोगे तो नहीं होगी, वादा है हमारा। वन माइनस एल्फा डी सी हो गया, क्या निकालना है आपको यहाँ से, बिट्टा डी सी क्या है, इसको आप भाग दे दो, नीचे क्या आ गया वन माइनस एल्फा डी सी, इसको आप दे सकते हो समीकरण पाँच। और समीकरण पाँच है क्या, समीकरण पाँच बिट्टा डी सी व एल्फा डी सी के बीच संबंध है, लेकिन बिट्टा डी सी एल्फा डी सी के पदों में है। कई बार आप यहां गलती कर देते हो, ठीक है ना, ऐसे पूछ लिया जाता है कि बिट्टा डी सी को एल्फा डी सी के पदों में आप ज्ञात कीजिएगा, तो दोनों डेरिवेशन अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये होता है कि एल्फा डी सी का मान क्या होता है, तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एल्फा डी सी का मान, सुन लो, एल्फा डी सी का मान एक के पास होता है, मीन्स एल्फा डी सी का मान 0.98 के समथिंग होता है, मीन्स एक से कम होता है, एक से कम होता है, ठीक है, जबकि बिट्टा डी सी अधिक होता है, एक से बहुत अधिक होता है, बिट्टा डी सी बहुत अधिक होता है, समझ गए बात को। तो ये अपन ने डिस्कशन किया है कि ट्रांजिस्टर के जो दो एलिमेंट अपने पास करंट एम्प्लीफिकेशन के आए थे, एल्फा एंड बिटा, उनके बीच का किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। और कौन सी अवस्था के लिए किया है, स्थितिक अवस्था के लिए किया है, यदि गतिक अवस्था आती तो आप क्या करते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं एल्फा और बीटा के बीच ही रिलेशन के साथ जब डायनेमिकल कंडीशन अपने पास आ जाती, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, भविष्य में काम आएगा। कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में आप टेलीग्राम पे बताइए, कैसी भी प्रॉब्लम पूरा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है आप हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और आपकी जो फीलिंग है उसको हम लाइटली ले लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सेवा का मौका दीजिए और फिर एनालिसिस कीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग अपन लगाते हैं कि अब अपने को बात करना है कि गतिक अवस्था के लिए क्या रिलेशन होता है। ठीक है, गतिक अवस्था के लिए ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। वही बात शुरू वहीं से करेंगे अपन, ट्रांजिस्टर से शुरू करना है अपने को। ठीक है, कर दीजिएगा। ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टरों के धारा के समीकरण से क्या होता है जी, आई ई बराबर आई बी प्लस क्या होना है, आई सी। लेकिन जब अपन गतिक की बात करेंगे तो थोड़ा परिवर्तन, मीन्स यहाँ डेल्टा लगा देंगे, यहाँ पर डेल्टा और यहाँ पे भी डेल्टा। समझ गए बात को? ठीक है, अब वापस अपने को एल्फा और बीटा की टर्म चाहिए कि कैसे आप एल्फा ला सकते हो और कैसे आप बीटा ला सकते हो। तो इजी है, वहाँ से आई सी को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है ना, देखिएगा डेल्टा आई ई, यहाँ से मैं डेल्टा आई सी बाहर लेता हूँ तो यहाँ क्या रह गया, वन। इसके पास था नहीं तो क्या लग गया, भाग लग गया। ठीक है, दोनों अलग करवा देते हैं। आई सी से वैसे भी भाग दे सकते हो, डेल्टा नीचे क्या आ गया, आई सी। इसको इधर ले आइए, डेल्टा आई ई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई सी किसके बराबर हो जाएगा, वन प्लस डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। इक्वेशन मान लेते हैं इसको कोई वन। ठीक है, अब बात यह है कि यहां पर यह क्या है और यह क्या। अब देखिएगा गतिक अवस्था के लिए, गतिक अवस्था के लिए ठीक है एल्फा लेंगे, वहां पीछे वाले में डीसी लिया था, और गतिक अवस्था में क्या लेंगे, एससी लेंगे कि एल्फा एससी। और एल्फा एससी का फॉर्मूला क्या था, आई सी बट्टा आई ई, आई सी बट्टा क्या था, आई ई। एस सी है तो क्या लगा दिया अपन ने, डेल्टा। इसी प्रकार बिट्टा एस सी क्या हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है, इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने पास इनकी उल्टी टर्म आ रही है तो उल्टी टर्म निकाल लो इनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालिएगा। उल्टा करते हैं तो वन अपॉन एल्फा एस सी किसके इक्विवेलेंट होगा, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी। ओके, वन अपॉन बिट्टा एस सी यदि निकालते तो क्या होता, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। ठीक है, इसको अपन मान सकते हैं इक्वेशन टू, समीकरण एक में मान रख दो, समीकरण एक व दो से। वापस वही करने वाले हैं अपन, ठीक है, समीकरण एक व दो से रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने। देखिएगा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी, वन अपॉन एल्फा एस सी इक्वल वन प्लस वन अपॉन बिट्टा एस सी, नो प्रॉब्लम। वन अपॉन एल्फा एस सी, बिट्टा एस सी एल सी एम लो। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, वन प्लस बिट्टा एस सी, एल्फा एस सी का मान उल्टा कर दो क्या आ जाएगा, बिट्टा एस सी अपॉन वन प्लस बिट्टा एस। इक्वेशन नंबर तीन क्या है, समीकरण तीन, गतिक अवस्था के लिए एल्फा व बिट्टा में संबंध, लिख सकते हो समीकरण तीन, गतिक अवस्था के लिए एल्फा व बीटा में संबंध है, लेकिन एल्फा डीसी नहीं, एल्फा एसी बीटा एसी के पदों में। समझ गए बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली टॉपिक को जारी रखते हैं अपने को। इसका उल्टा निकालना होता आपको, बिट्टा किसकी टर्म में निकालना होता, एल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समीकरण तीन से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मल्टीपल कर दीजिए वापस, तो वन प्लस बिट्टा एस सी इक्वल बिट्टा, करो मल्टीपल, एल्फा एस सी प्लस एल्फा एस सी बिट्टा एस सी इक्वल बिट्टा एस सी। एल्फा एस सी क्या हो गया, बिट्टा एस सी माइनस बिट्टा एस सी एल्फा
एसी, नो प्रॉब्लम। एल्फा एसी दोनों में से बीटा एसी बाहर लो, क्या रह गया, वन माइनस एल्फा एसी, ठीक है। बीटा एसी आपके पास क्या निकल के आ गया, एल्फा एसी अपॉन वन माइनस एल्फा एसी, इक्वेशन क्या हो गया नेक्स्ट वाला, वही तरीका है पूरा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, समीकरण चार, गतिक अवस्था के लिए एल्फा एसी व बीटा एसी में संबंध है, लेकिन कोण किसके पदों में, बीटा एसी एल्फा एसी के पदों में, समझे बात को, कोई प्रॉब्लम दोनों टॉपिक्स में, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। यहां तक हुआ। अब मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, गतिक अवस्था में वो अपन काम में लेते हैं। जब अपन उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ उत्सर्जक पढ़ते हैं, वहां पर आई ई का मान होता है और एक अपने पास आई सी निकलता है, ठीक है। तो आई सी का जो मान होता है वो एक क्षरण धारा के रूप में भी चलता है, तो वो डेरिवेशन अपन किस प्रकार से करने वाले, मीन्स यदि अपन यहाँ पर इस प्रकार से कोई टर्म लिखें तो है क्या, आई सी ओ लिखेंगे तो क्या कहेंगे, संग्राहक, समझ लेना, संग्राहक क्षरण धारा, संग्राहक क्षरण धारा। यह कहा जाता है कि जब भी आप उभयनिष्ठ आधार विन्यास, नहीं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास पढ़ते हो, तो वहां पर थोड़ी सी धारा क्षरित हो जाती है, उस क्षरित धारा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मींस वो धारा आपको निकालनी रहती है। एल्फा और बीटा का काम हो गया, लेकिन इसके साथ का ही वो टॉपिक है, एल्फा बीटा को काम में लेके कि क्षरण धारा आने के बाद आई सी का मान क्या होता है, ठीक है ना। मीन्स थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जो करंट आईसी फ्लो होती है वो नॉर्मल अपन क्या बोलते हैं, नहीं आई ई क्या होता है, आई बी प्लस क्या होता है, आईसी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि यहां से आईसी का मान क्या है, तो एल्फा के पदों में आईसी का मान क्या है, एल्फा क्या होता है, देखिएगा आईसी बट्टा क्या होता है, आई ई, मीन्स आईसी का मान एल्फा के पदों में क्या हो गया, आई ई इंटू एल्फा, समझ पाए आप इस बात को। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ एसी में नहीं, डीसी में लगता है, विदाउट गतिक सिचुएशन में लगता है, ठीक है। बढ़िया, आगे आईसी का एक मान क्या होना है आपके पास, आई ई इंटू एल्फा, कौन सी अवस्था में लगेगा, अपन जो पढ़ रहे हैं वो मैंने क्षरण धारा वाला कॉन्सेप्ट, डीसी अवस्था में लगेगा, ये इतनी धारा ये क्षरित कर देता है, और एक धारा इसके पास और क्या प्रेजेंट है, आई सी ओ, ठीक है, मीन्स क्षरण, संग्राहक से कितनी क्षरण धारा हुई है। कैसे लिख सकते हो कि आई सी का मान है वो आपके पास स्थैतिक धारा, मीन्स स्थैतिक धारा आई सी, ठीक है। उसके साथ में क्या हो सकता है, जो संग्राहक टर्मिनल होता है वहां पर क्षरण होता है धारा का, लीकेज होती है, मतलब धारा वहां पर लीक होने लगती है, उसको अपन कहेंगे क्षरण धारा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई सी ओ से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। आराम से समझिएगा, आई सी इक्वल स्थैतिक धारा आई सी, स्थैतिक अवस्था में आई सी का फॉर्मूला क्या होता है, आई ई इंटू क्या, एल्फा डी सी, समझे इस बात को, ठीक है। प्लस ये धारा कितनी है, आई सी ओ, इसको मैं इक्वेशन वन दे सकता हूँ, इसको इक्वेशन टू दे सकता हूँ, और ये समझाया था, रब कर सकते हैं अपन, डेरिवेशन अपना शुरू हो चुका, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ आई ई का मान कहाँ से रख दीजिए, समीकरण एक से, समीकरण एक से मान रखने रखिए, आई सी इक्वल एल्फा डी सी, साथ में आई बी प्लस आई सी प्लस क्या हो गया, आई सी ओ, इजीली कर सकते हो इतना काम आप, ठीक है। बढ़ लेते हैं अपन आगे,
लास्ट तक साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखे जाओगे। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिएगा। देखिएगा, आई सी इक्वल मल्टीपल करो अंदर एल्फा डी सी, साथ में क्या है आई बी प्लस एल्फा डी सी, साथ में आई सी प्लस क्या है अपने पास आई सी ओ। आई सी का मान एक ये है, दूसरा मान ये है, ठीक है। आई सी माइनस एल्फा डी सी इंटू आई सी ले आए इधर अपन, इक्वल एल्फा डी सी आई बी प्लस क्या हो गया आई सी ओ, ठीक है। इन दोनों में से IC बाहर लो, अंदर क्या रहा 1 माइनस एल्फा डी सी, किसके बराबर जी एल्फा डी सी आई बी प्लस आई सी। आई सी निकालना है अपने को, ठीक है। IC डिवाइडेड कर दो एल्फा डी सी अपोन 1 माइनस एल्फा डी सी, साथ में क्या आ गया आई बी प्लस आई सी ओ, किस डिवाइडेड दे दो 1 माइनस एल्फा, समझ आई। अब देखिएगा ये जो लिखा है एल्फा डी सी अपोन 1 माइनस एल्फा डी सी, पढ़ा था अपन ने बिट्टा किसके पदों में, एल्फा के पदों में, मीन्स ये किसका मान है बिट्टा का मान है, बिट्टा डी सी का मान है, ठीक है। रख सकते हैं अपन बिट्टा डी सी, रख दीजिए यहाँ पे, तो आई सी क्या मिला बिट्टा डी सी, ये इसके लेग में है बिट्टा डी सी आई बी प्लस नेक्स्ट टर्म आई सी ओ अपोन 1 माइनस एल्फा डी सी। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर जो टर्म आपके पास निकल के आ रही है आई सी ओ अपोन 1 अपोन एल्फा डी सी, इस टर्म को बोला जाता है आई सी ई ओ, मीन्स इतने टाइम जो क्षण सी पे हो रहा था, जैसे ही आपने ये वाला काम किया पैरामीटर रिप्लेस किया तो एल्फा भी यहाँ इफेक्टिव हो गया, मीन्स इस आई सी ओ और 1 अपोन 1 माइनस नहीं आई सी नोट अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी का जो मान है उसको क्या बोला जाता है आई सी ई ओ, क्या होता है आई सी नोट अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी, अपनी लैंग्वेज में संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा, क्या बोलेंगे संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा, समझ गए बात को। अतः इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो आई सी इक्वल बिट्टा डी सी इंटू आई बी प्लस क्या हो गया आई सी ई ओ, मीन्स संग्राहक उत्सर्जक उत्सर्जक क्षरण धारा के रेशियो में। इसी प्रकार एक होता है जैसे अपन ने पढ़ा है संग्राहक उत्सर्जक, इसी प्रकार एक होता है संग्राहक आधार क्षरण धारा, ठीक है ना। आई सी बी ओ अपन लेते हैं, ठीक है। ये कब लेते हैं जब उबेनिस्ट आधार की अपन यहाँ से बात करना शुरू करें कि अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उबेनिस्ट यदि आधार है ले सकते हो सोर्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन ने क्यों पढ़ा, कभी आपको एग्जाम में प्रूफ करके पूछ लिया जाता है या कॉम्पिटेटिव में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा रिलेशन सत्य है, तो अपने को सीधा देखना है आई सी बराबर अगला यदि ऊपर लिखे कि उत्सर्जक विन्यास के लिए कौन सा, संग्राहक के लिए होगा तो यहाँ सी बी ओ अपन देख लेंगे, तो उत्सर्जक की बात करेंगे तो आई सी बराबर बिट्टा डी सी आई बी प्लस आई सी ई ओ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। जब अपन उत्सर्जक में क्षरण धारा की बात करते हैं, समझ आया पूरा टॉपिक, टॉपिक मतलब एक था, एक टॉपिक में कितने टॉपिक थे, तीन टॉपिक थे, एल्फा बिट्टा में रिलेशन था, दो चार हो गए थे एल्फा बिट्टा में, बिट्टा एल्फा में, स्थितिक अलग गतिक अलग, तो चार वो फॉर्मूले हो गए थे। नेक्स्ट ये वाला टास्क आपके लिए रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ यही पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इनके बीच का रिलेशन क्या है बेखूबी। लास्ट तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहे, लास्ट तक बने रहे तो बहुत कुछ आप सीखे हैं, पूरा टॉपिक कहाँ पे भी कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ा है, ठीक है। लेक्चर्स देख रहे हो तो इनको पसंद कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके लाइक है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ या लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।